वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में आधी रात से शुरू हुई पूजा, भक्तों ने सुबह सुबह किए मूर्तियों के दर्शन। ज्ञानवापी परिसर के बाहर रात से ही उमड़ी भक्तों की भीड़, तहखाने में दर्शन के बाद लोगों ने जताई खुशी। ज्ञानवापी में बाढ़ को काटने के बाद खोला गया तहखाने का दरवाजा। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री के निर्देश पर रात करीब 12 बजे राग भोग और पूजा हुई। व्यास तहखाने में पूजा और दर्शन के बाद लोगों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। व्यास तहखाने में प्रशासन ने रात से शुरू की पूजा की तैयारी। तहखाने के बाहर लगे बैरिकेड को गैस कटर से काटकर हटाया गया। ज्ञानवापी परिसर में देर रात 2 बजे पहुंचे पुलिस कमिश्नर और डीएम एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी परिसर में पूजा की तैयारी का जायजा लिया। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने एक लाइन में दिया जवाब, कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन ने सुरक्षा का दिया भरोसा। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा का अधिकार मिला। वाराणसी कोर्ट का जिला प्रशासन को आदेश, 7 दिन के अंदर पूजा करने की व्यवस्था करने को कहा। वकील हरिशंकर जैन बोले, ज्ञानवापी मामले में एक एक करके मिल रही है जीत, हम चाहते हैं अयोध्या की तरह यहां भी भव्य मंदिर बने। गिरिराज सिंह बोले, अयोध्या तो केवल झांकी है और आगे राम की लीला बाकी है। ज्ञानवापी पर आए फैसले से संत समाज खुश। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, गलती सुधारी गई, हम तो यही चाहते हैं पूजा भी हो इबादत भी हो, लेकिन कुछ लोग मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं, सपा सांसद एसटी हसन का बयान। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, हिंदू पक्ष ने की है तहखाने की एएसआई सर्वे की मांग। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा, लगातार 6ठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सुबह 11 बजे पेश करेंगी अंतरिम बजट। चुनावी साल होने की वजह से महज 3 महीने के लिए होगा बजट। चुनावी साल होने की वजह से टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की संभावना, महिला युवा किसान और गरीबों पर होगा सरकार का फोकस। बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की संभावना, हेल्थ पॉलिसी और होम लोन पर टैक्स की छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बनाएंगी कई नए रिकॉर्ड, 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री होंगी देश की पहली। हेमंत सोरेन को आज सुबह ईडी रांची की कोर्ट में पेश करेगी, ईडी करेगी सोरेन की रिमांड की मांग। हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 9:30 बजे गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की पोस्ट लिखा कि एक विराम है जीवन महासंग्राम है। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में कविता की अगली लाइन भी लिखी, हर पल लड़ा हूँ हर पल लड़ूंगा पर समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा। हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी के बाद देर रात हुआ मेडिकल चेकअप, ईडी ऑफिस में मेडिकल टीम ने जांच की। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड में दायर की है रिट याचिका, आज 10:30 बजे होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी मुलावासी संगठन ने किया झारखंड बंद का आह्वान, कई जगह होंगे धरना प्रदर्शन। हेमंत सोरेन पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा कि आप सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अब देश में पीएम मोदी की सरकार है। बाबूलाल मरांडी का सीधा आरोप, कहा कि हेमंत सोरेन जब से सीएम बने हैं तब से लूटने में लगे थे, इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं सुना था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, ईडी सीबीआई आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सारे राज्यों में एक एक कर सरकारें गिरा रही हैं, ईडी लगातार हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रियंका गांधी का आरोप, विपक्ष मुक्त संसद लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला, लिखा कि जो पीएम मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा, हम डरेंगे नहीं संसद से सड़क तक लड़ेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसाया। भूपेश बघेल बोले, ये लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हो रही है, ये लोग बिना विपक्ष के सरकार चलाना चाहते हैं। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम, विधायक दल के नेता चुने गए। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, 43 विधायकों के समर्थन पत्र पर गवर्नर को सौंपा गया। चंपई सोरेन के पक्ष में जेएमएम के समर्थन में पत्र पर राज्यपाल ने नहीं दिया जवाब। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि स्टडी कर सही समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान, बैकडोर से राजनीति करना चाहती थी बीजेपी, हमने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। ईडी के खिलाफ जेएमएम ने एससी एसटी थाने में शिकायत दर्ज कराई, हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की एफआईआर को बताया फर्जी, कहा कि पुलिस को करनी चाहिए जांच। झारखंड के गृह सचिव के पद से हटाए गए अविनाश कुमार, प्रदेश के मुख्य सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारी। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार की आज ईडी कार्यालय में पेशी, महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाला मामले में होगी पूछताछ। रोहित पवार से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी दूसरी बार पूछताछ करेगी। 25 जनवरी को करीब 11 घंटे ईडी दफ्तर में चली थी पूछताछ। ईडी के समन के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी दफ्तर के बाहर पार्टी प्रवक्ता विद्या चव्हाण करेंगी एक दिन की भूख हड़ताल।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा पांचवा समन, 2 फरवरी को पेश होने का आदेश, शराब घोटाले में होंगे सवाल जवाब, समन पर कानून के हिसाब से लेंगे निर्णय, आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। 2 फरवरी को ही बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से लगातार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और कोहरे का येलो अलर्ट, दिल्ली में अगले 3 दिन तक बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक 8 डिग्री न्यूनतम तापमान और 20 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना। शिमला में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, इलाके में और ठंड बढ़ने के आसार, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी, प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है बर्फबारी, बर्फ गिरने से पर्यटकों में छाई खुशी, सड़कों पर फिसलने और फिसलन बढ़ने की वजह से नेशनल हाईवे पर यातायात बंद की गई, जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की बर्फ, गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी से ढके पेड़ और पौधे, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, सड़कों से लगातार हटाया जा रहा है बर्फ, कुपवाड़ा में भी लगातार हो रही है बर्फबारी, चौकीबल रोड पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ की चादर में लिपटा गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ में भी हुई बर्फबारी, यूपी के कानपुर में एक मिठाई की दुकान में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया, आग से दुकान जलकर खाक, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर बस्ती में मारपीट केस में बरी हुए, आपके सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, सीबीआई ने ईपीएफओ लखनऊ के 2 अधिकारी और 1 बिचौलिए को अरेस्ट किया, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 58 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, राजस्थान सरकार ने 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए, राजीव कुमार शर्मा एसीबी के नए डीजी बने, राधा राठौड़ी बनी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, पदभार संभाला, गुजरात का सूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित हुआ, पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग और वॉलेट सर्विस, सरकार ने जनवरी 2024 में जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ जुटाए गए, पिछले साल से 10.4% ज्यादा, दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख सेक्टर्स की वृद्धि 3.8% रही, ठीक एक साल पहले 8.3% थी, तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया के शुद्ध लाभ में 33% का इजाफा हुआ, भारत सरकार ने मोबाइल फोन्स के कल पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई 15% से घटाकर 10% की, भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होगा विशाखापट्टनम टेस्ट, 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे, विशाखापट्टनम टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, बल्लेबाजों ने स्वीप शॉट का किया प्रयास, विशाखापट्टनम टेस्ट से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने नेट्स पर अभ्यास किया, रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट खेलते नजर आए, विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंचे, टॉप 10 में शामिल भारत के इकलौते बल्लेबाज, बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में अश्विन, जडेजा और बुमराह शामिल, अश्विन नंबर 1 पर बरकरार, ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा टॉप पर, अश्विन और अक्षर पटेल भी टॉप 10 में, ऋषभ पंत ने शेयर किया अपने डेब्यू मैच का अनुभव, बताया कि ड्रेसिंग रूम का हाल, सचिन तेंदुलकर ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का अनावरण किया, कहा कि बचपन में नहीं सोचा था कि भारत के लिए खेलेंगे, अखिल श्योरान ने काहिरा विश्व कप में कांस्य पदक जीता, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता मेडल, विष्णु सर्वनन नौकायान में लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले बने, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हासिल किया है पेरिस ओलंपिक का कोटा, टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने रिटायरमेंट से किया इनकार, कहा कि मैं अभी टेनिस नहीं छोड़ूंगा, मेसी से नहीं होगा रोनाल्डो का सामना, क्रिस्टियानो इंटर मियामी के खिलाफ सीजन कप मैच से बाहर हुए।